से यानी आइसोलेट कर दिया था एलिमेंट को उसके क्रूड मेटल से। तो अभी हमको क्या करना है, उस क्रूड मेटल से प्योर मेटल को निकालना है, यानी रिफाइन करना है, बराबर है। तो प्योर मेटल को उसके क्रूड मेटल से किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो अभी हम एक एक करके सभी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्वेशन प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट दी वन ऑफ द रिफाइनिंग मेथड है। क्रूड मेटल से उसको प्योर मेटल के मिलाने के लिए सबसे पहली मेथड है लिक्वेशन प्रोसेस। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज मीन बाय लिक्वेशन। लिक्वेशन यानी मेल्ट करना। तो जितने भी क्रूड मेटल है जिसमें ऐसी इम्प्यूरिटी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त आप क्या करते हो, उस क्रूड मेटल को पहले हीट करते हो, बराबर है। तो एक ऐसा स्लोपिंग हार्ट करके एक ऐसा एक एपरेटस यूज़ करते हो जिसमें से आप क्या करते हो, क्रूड मेटल पाउडर को फ्लो करते हो और नीचे से उसको हीटिंग करते रहते हो। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल है वो सबसे कम रहता है उसके इम्प्यूरिटी के मेल्टिंग पॉइंट से, तो वो मेल्ट होके आपको प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्वेशन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है किस किस एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के काम में आते हैं हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले वन है बिस्मत। बिस्मत को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। उसके क्रूड मेटल से आपको प्योर फॉर्म में बिस्मत चाहिए तो आपको लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। या आपको टिन चाहिए तो आपको लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। मर्क्यूरी चाहिए तो लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको लीड चाहिए तो आपको लिक्वेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। अब ये सब मेटल, इनके सब जो ओर होते हैं इसमें जो इम्प्यूरिटी रहती है उनका मेल्टिंग पॉइंट इस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो जब आप उसको हीट करते हो तो सबसे पहले एलिमेंट जो होते हैं, ये वाले मेटल जो होते हैं, ये पहले मेल्ट हो जाते हैं और आप इसको फिर सेपरेट कर सकते हो। तो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट दी लिक्वेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर, समझा आपको। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सेकेंड प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल में, दैट इज नथिंग बट दी पोलिंग। अब ये जो पोलिंग मेथड है इसमें भी आप क्या कर रहे हो, मेटल को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। पर किस क्रूड मेटल को हीट कर रहे हो, ऐसे क्रूड मेटल जिसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो ऐसे क्रूड मेटल जिसमें इम्प्यूरिटीज़ ऑक्साइड के फॉर्म में है उसको आप हीटिंग से क्या करते हो, रिफाइन करते हो। तो वो कौन से मेटल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो जैसे कॉपर है, टीन है, ऐसे मेटल के एक्सट्रैक्शन के वक्त, उसके क्रूड मेटल से ये मेटल को प्योर फॉर्म में लाने के वक्त आप पोलिंग टेक्निक यूज़ करते हो। तो पोलिंग इज ऑल्सो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड मेथड आपको दिया है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बेटा व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, आपको सबको पता है। उसमें आप कैथोड एनोड यूज़ करते हो और इलेक्ट्रिक सिटी के द्वारा क्या करते हो, आप कैथोड पे सब्सटेंस को डिपॉजिट करते हो, बराबर है। तो यहाँ पे आपको मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी कैथोड पे आपको मेटल का डिपोजिशन मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्वियस सॉल्यूशन और कैथोड और एनोड के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्रूड मेटल को यूज़ करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप क्या करते हो, कॉपर, सिल्वर, निकेल, एल्युमिनियम, जिंक, ऐसे एलिमेंट का रिफाइनिंग करते हो और उसके क्रूड मेटल से आप उसके प्योर फॉर्म में मिलाते हो। तो यहाँ पे जो प्योरिटी ऑफ मेटल रहेगा वो 99% अचीव होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पोलिंग और लिक्वेशन प्रोसेस से कई गुना ज़्यादा अच्छी साबित होती है, जिसमें आप कॉपर, सिल्वर, निकेल, एल्युमिनियम, जिंक जैसे मेटल को 99% तक क्या कर सकते हो बेटा, प्योर स्टेट में मिला सकते हो। इसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल में जोन रिफाइनिंग। देखो जोन रिफाइनिंग को हम और एक इसमें बोल सकते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड दैट इज नथिंग बट दी जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग से 99.99% आपको क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। आपको सुनना है बेटा, सुनो, इसकी इमेज मैं बाद में भेज दूंगा। तो जोन रिफाइनिंग में आपको 99.99% क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है, जिसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, बराबर है। अब उसमें कौन से एलिमेंट आप जोन रिफाइनिंग से क्या कर सकते हो,
एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसमें है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम है, ऐसे कुछ मेथड्स है, मेटल्स है जिसको आप जोन रिफाइनिंग से क्या कर सकते हो, प्यूरीफाई कर सकते हो। तो जोन रिफाइनिंग होती क्या है पहले हम वो समझने का प्रयास करेंगे। तो जोन रिफाइनिंग में आप सबसे पहले क्या करते हो, जो क्रूड मेटल है उसको रॉड के फॉर्म में बना लेते हो, यानी एक रॉड बना लेते हो क्रूड मेटल का, और उसको क्या करते हो एक सिरे से एक एंड से हीट करना चालू कर देते हो। तो जैसे ही आप उसको हीट करना चालू कर देते हो, उस रीजन का, उस जोन की इम्प्यूरिटी और क्रूड मेटल क्या होता है, मेल्ट होना चालू हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होना चालू हो जाता है, फिर क्या करते हो आप, जहाँ से हीटिंग का जो अपैरेटस है आप उसको थोड़ा थोड़ा है ना रिमूव आगे आगे सरकाते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पहला रीजन जो हीट हुआ है वो कुछ देर के बाद सॉलिड होने को देखेगा, बराबर है, सॉलिडिफाई होने को देखेगा, जिससे सॉलिडिफाई होते वक्त क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जो मेल्टन मेल्ट हुई इम्प्यूरिटीज़ है वो सॉलिड रीजन को छोड़ के कहाँ पे जाएंगी, मोल्टन रीजन की तरफ, यानी मेल्टन रीजन की तरफ। इसका मतलब है ये पोर्शन में से इम्प्यूरिटी निकल जाएंगी, बराबर है। जैसे जैसे आप इसको बर्नर को आगे आगे सरकाओगे, जो सॉलिडिफाइड रीजन रहेगा वो प्योर फॉर्म में आपको मिलते जाएगा। तो आप उसको कट करते जाओगे और फिर बर्नर को और आगे आगे सरकाते जाओगे, इस प्रकार से आपको ये हर एक इसमें जोन मिलते जाएंगे जिसमें वो प्योरिटी बढ़ते जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अगर जोन रिफाइनिंग करते हो तो आपको 99.99% अल्ट्रा प्योर मेटल मिलने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें जनरली हम जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जैसे मेटल को क्या करते बेटा, जोन रिफाइनिंग के द्वारा प्योर स्टेट में मिलाते हैं। उसके बाद है वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या आता है, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब बेटा ये वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग में आपको पता है जो मेटल होते हैं क्रूड मेटल उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है और मेटल होते हैं वो सभी ओलेटाइल नेचर की होती है, यानी ओलेटाइल नेचर में आपको लाना पड़ता है उसको, और ओलेटाइल नेचर में लाने के बाद उसको वेपर फेज से क्या करते हो, बाहर निकाल लेते हो। तो आपको पहले तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो मेटल है वो ओलेटाइल नेचर का लाने के लिए आपको ऐसे सब्सटेंस उसको ऐड करना पड़ेगा कि जो निकलने वाला कंपाउंड है वो ओलेटाइल नेचर को बिलोंग करे, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। उसकी दूसरी बात, उसको इजीली आप डिकम्पोज करके आप प्योर मेटल मिला सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, वेपर फेज रिफाइनिंग को यूज़ करना पड़ेगा। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड्स आती है, एक को बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। तो जो मॉन्ड प्रोसेस है वो रिफाइनिंग ऑफ निकेल के लिए यूज होती है, ध्यान में रखना है। तो मॉन्ड प्रोसेस इज नथिंग बट दी वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस विच इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल। निकेल के रिफाइनिंग में मॉन्ड प्रोसेस को यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट दी वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्ड प्रोसेस यूज होती है जिसमें आप रिफाइनिंग ऑफ निकेल करते हो, ठीक है। दूसरा वेपर फेज रिफाइनिंग में आता है वैन आर्केल मेथड। वैन आर्केल मेथड, तो ये जो वैन आर्केल मेथड है या जो मॉन्ड प्रोसेस है, ये दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस है। और ये वैन आर्केल मेथड जो है पर्टिकुलर, तो ये जो वैन आर्केल मेथड है ये झिरकोनियम या टिटेनियम के मेटल रिफाइनिंग में काम में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट, अभी जितनी भी रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स है उसमें आप देखो ये सब सॉलिड के लिए यूज़ किए थे, पर अगर आपको लिक्विड में से पर्टिकुलर मेटल ट्रेसेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करते हो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हो, बराबर है। इसमें आपको पता है पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको 12th में एक प्रैक्टिकल भी था, बराबर है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब आप RF फैक्टर निकालते हो, बराबर है, RF फैक्टर, तो उसके द्वारा आप है ना पता कर सकते हो कि उसमें कितना परसेंटेज ऑफ है ना कम मेटल उसमें अचीव हुआ है। तो आप उसको भी प्यूरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो स्पेशल टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो इन दिस वे देयर आर 7 प्रोसेस इन विच वी हैव टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इट्स क्रूड मेटल, ठीक है। तो ये लिक्विडेशन प्रोसेस आती है उसमें, दूसरा आता है पोलिंग, तीसरा आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, चौथा आता है जोन रिफाइनिंग या आप उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हो, पांचवा आता है वेपर फेज रिफाइनिंग जिसमें सबसे नंबर वन पे है मॉन्ड प्रोसेस, ये यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ निकेल के लिए, और दूसरा आता है उसमें वैन आर्केल मेथड, ये यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ जिंक, झिरकोनियम एंड
टिटेनियम के लिए, और लास्ट रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल जो है प्रोसेस वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो आपने ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स में पढ़ा ही है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियोज़ में दिखाई देंगे।